तो जय श्री राम भाई, कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। तो भाई मैं बता दूं, अभी अपन लोग सोच रहे हैं ना, काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं, वीडियो तो अपन लोग रोक के ही रखे थे, लेकिन अब सोच रहे हैं ना, जब भी अपन लोग वीडियो स्टार्ट करें ना, जो भी ट्रैवलिंग है सब का ना, तो अपन लोग मोडो ब्लॉगिंग पहले स्टार्ट कर दो, उसके बाद जो भी करें ना मोडो ब्लॉगिंग करें। तो इसके लिए अपन लोग सबसे पहले घड़ी ऑर्डर किए थे, उसके बाद आज अपन लोग जो भी मोडो ब्लॉगिंग का जरूरत होती है ना वो वाली ऑर्डर किए, वो भी कुरियर आ चुकी है। घड़ी वाली वीडियो आप लोग को नहीं दिखी हो तो प्लीज़ मैं पिन कर दूंगा, उसको आप लोग जाके देख सकते हो आई बटन पे देख जाके। और फिर मैं अभी क्या मंगाया हूँ मोडो ब्लॉगिंग के लिए वो मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर मतलब समझ सकते हो ना मोडो ब्लॉगिंग में क्या क्या चीज़ का जरूरत है। पहले तो बाइक जो कि मेरे पास है, दूसरी अपने को क्या चाहिए तो एक हेलमेट चाहिए, वो मैंने खरीदा है गाइस। वो कितने में खरीदा है, कहाँ से खरीदा है मैं उसके बारे में बताऊंगा। और तीसरा गाइस सबसे पहले हेलमेट माउंट, जो कि माउंट होती है ना वो वाली माउंट, तो वो वाली मैंने ऑर्डर करा है, कहाँ से मैंने ऑर्डर करा है, कितने में ऑर्डर करा है वो मैं आपको भाई वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना गाइज। और तीसरा गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, वो होती है कैमरा भाई, तो जिससे अपन लोग वीडियो बनाते हैं। तो वो भी तो नहीं है, बट उसको भी बहुत ही जल्द अपन लोग ऑर्डर करने वाले हैं, क्योंकि भाई काफ़ी महंगा देता है यार, 40-50 हज़ार का भाई GoPro आता है, फिर उससे पहले SD आता है, बहुत कुछ आता है। तो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करूँगा, उसको आंसर आप लोग देना। तो अभी अपन लोग पहले अनबॉक्सिंग करते हैं जो अपन लोग ऑर्डर करके मंगवाया है। सो भाई ये देखो, ये अपन लोग अमेजोन से आज ऑर्डर किए हैं, मतलब 2-3 दिन पहले ऑर्डर करा था, 2 दिन में ये अपना डिलीवरी आ चुका है भाई, देख सकते हो ये अपना ऑर्डर है। मैंने इसको ओपन किया है थोड़ा बहुत पीछे से, बट मैं सोचा यार आप लोगों को भी दिखा दूँ, बट सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ओपन करा था, प्रीवियस भी जो भी ऑर्डर था ना पहले वाला उसको भी मैंने ओपन कर दिया था, बट बाद में याद आती है, बट चलो कोई ना यार, थोड़ा सा माफ़ कर देना। और फिर बारी आती है भाई, ये देखो अपना हेलमेट जो कि थंडर का है, देख सकते हो THU India थंडर, ये मैंने बिहार शरीफ में ख़रीदा था गाइज, और इसका मैं यूज भी कर चुका हूँ, लाइक बिहार शरीफ से मैं पटना में आ रहा था तब यूज किया था। तो हेलमेट भाई काफ़ी अच्छा है थंडर का। और फिर ये देखो, ये वाला दिख रहा ओपन, ये वेंटिलेटर है गाइज, इसको अगर इधर कर दिया ना तो ओपन हो गया, अंदर हवा जा सकता है, आराम से वेंटिलेटर मिल सकता है। और फिर इधर देखो ना, तो ये ग्लास है गाइज, ये देखो ये अपना ग्लास है, ग्लास काफ़ी अच्छा है, ये देखो ओपन कर दिया मस्त वाला, अरे भाई ओपन तो छोड़ो यार। तो ये देखो, ये अपना कुछ इस प्रकार हेलमेट होता है, अपन लोग यहाँ पे माउंट करेंगे, जो भी हेलमेट का होता है ना माउंट, वो वाली यहाँ पे माउंट करेंगे। और फिर यहाँ पे कुछ ये ओपन करने वाला होता है गाइस, जहाँ से कि अपन लोग माइक फिट कर सके, ये देखो यहाँ से ओपन करके यहाँ पे माइक फिट करके इसको लॉक कर देंगे भाई। तो मोटो ब्लॉगिंग का सबसे पहला यही होता है गाइज, तो मैंने ये वाली ले ली, ऑर्डर कर लिया। और अभी बारी आती है भाई अपने को दिखाने की, क्या दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, अब खुद सोचो भाई। तो अभी ये देखो, कैमरा जो भी माउंट करने वाला होता है ना, पहले तो इसको लो, उसके बाद कैमरा माउंट किया जाता है। तो भाई ये मैंने ओपन कर दिया था पहले ही, तो अभी मैं इसको निकाल रहा हूँ, मतलब एक आदमी खुद से वीडियो बनाता है ना, तो ये देखो भाई ये कुछ ऐसा है। और फिर मैं हेलमेट का बात बता दूँ गाइज, ये हेलमेट मेरे को 2500 रुपये बोल रहा था, बट फाइनली बहुत 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 रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत इधर उधर करने के बाद ना, मेरे को 1580 में पड़ा है, बोली तो 1600 का ये हेलमेट पड़ा है, कोई गारंटी कोई वारंटी नहीं दिया इस भाई ने, बिहार शरीफ में मैंने लिया था ये हेलमेट, स्टूड का है, ISI मार्क भी होगा इसमें, देख सकते हो। तो यही कुछ हेलमेट है। और फिर ये देखो, ये मैंने ऑर्डर करा था, इसके साथ कुछ बिल भी होगा, इसके अंदर होगा बिल, ये बिल है जो कि मैं लास्ट में दिखाऊंगा भाई, ये बिल है, तो इसको हटा देते हैं। अभी इसमें क्या क्या चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, अरे भाई खुल जाए यार। सो अभी खुल चुकी है पैकेट, ये देखो इसमें क्या क्या चीज़ है, अभी दिखाते हैं आपको, निकल जा मेन सामान भाई, क्या दिक्कत है यार, क्या प्रॉब्लम आ जाती है, ये देखो ये मेन चीज़ है भाई, अरे यार। सो फाइनली ये देखो, ये निकल चुका है, ये हेलमेट में लगेगी गाइज, लगने के बाद कुछ अलग ही नज़ारा आएगा, तो इसको लगा के आपको दिखाएंगे, बट अभी देखते हैं क्या सीन होता है। ये लगाने वाला मेन है, उसके बाद ये आती है गाइज, अगर फ़ोन अपन लोग यूज करेंगे ना तो फ़ोन के लिए ये वाली है, इसको अपन लोग लगानी है और फिर इसमें फ़ोन घुसानी है। तो चलो कोई ना, ये अपने को मोल्ड करने वाला, इसमें घुसा के टाइट करने वाला होता है, इसमें डालो और फिर टाइट कर दो, ताकि ये या फिर ये दोनों जो भी माउंट होगा ना वो वाली टाइट होगी इसमें। और फिर ये अपने को देखो, एक फ्री में ही मेरे को माइक मिला है फ्री में, इसी के साथ एक स्पीकर माइक दिया मेरे को। तो पहले अपन लोग इसको भाई मोल्ड करेंगे ऐसे, लाइक देख सकते हो भाई, इसको अपन लोग ऐसे करना पड़ेगा नीचे के साइड से, ये देखो ये यहाँ पे गया, ऐसे हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा ऊपर की तरफ। फिर यहाँ से अपने को ये वाली डालनी है लॉक करने के लिए, भाई चला जा अंदर यार।
अभी सही से नहीं गया, रुक जाना अभी थोड़ा सा, सीधा से हो जा भाई। ये देखो अभी ये चला गया, तो ये हो गया। अगर अपने को डायरेक्ट कैमरा शिफ्ट करनी होगी ना, जो भी अपन लोग एक्शन कैमरा ऑर्डर कर रहे हैं 4K एक्शन कैमरा, तो यहाँ पे डायरेक्ट कैमरा भी हो सकती है। अगर मोबाइल से अपने को बनानी है तो मोबाइल का ये वाली डाल सकते हैं, ये ऊपर से, ये देखो ये वाली ऐसे करेंगे और फिर फ़ोन अपना यहाँ पे फिट हो जाएगा ऐसे, तो ऐसे कर सकते हैं। तो इसका प्राइस का बात करूँ गाइस, तो मेरे को पड़ी है लगभग 525 या फिर 30 के आसपास। ये देखो भाई मेरे को पड़ा है टोटल 525 रुपया, देख सकते हो अच्छे से देख लो भाई, 525 रुपीज। तो मेरे को 525 रुपये इसके पड़े हैं टोटल इसके, और फिर हेलमेट का 1600, तो टोटल जोड़ लो। प्लस अभी कैमरा की बारी है, तो भाई कैमरा में मैं कौन सा कैमरा लूँ मेरे को पता नहीं चल रहा अभी। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ यार कि अपन लोग कैमरा कौन सा लें, क्योंकि मेरे को लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि अपन लोग कौन सा कैमरा लें, कौन सा डिसाइड करें मेरे को पता नहीं चल रहा है। हालांकि मैंने 3-4 कैमरा के बारे में सुना है, एक DJI कुछ करके है, एक IZI है, एक SJ8 Pro है, और फिर एक है GoPro 10, 11, 12। हालांकि 11, 12 का मेरे पास औकात नहीं है भाई उतना पैसा, बट हाँ 10 ले सकते हैं, बस आप लोगों का कृपा मेरे पे बनी रहे तो ले सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना गाइस कि कौन सा कैमरा अच्छा होगा, GoPro या फिर SJ8 Pro या फिर IZI या फिर और भी कुछ है, DJI कुछ ऐसे करके। तो आप लोग इन चारों कैमरा में प्लीज़ कमेंट करके बताना कौन सा अच्छा कैमरा है, और फिर अपन लोग मोटो ब्लॉगिंग का फुल किट पहले अपन लोग इकट्ठे कर लेंगे, उसके बाद अपन लोग मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे गाइस। तो इतना तक तो आप लोगों को दिखा दिए, तो इसके बाद और क्या होगा ये आप लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखना। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे वीडियो को एंड करूँ, खत्म, मतलब आगे के लिए भी कुछ रखूँ। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ऐसे हमारी वीडियो देखते रहना। सो बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय गाइस।